रिया के घर पर, रिया चक्रवर्ती के जुहू के घर पर आधा किलो मैरुआना सामान के घर के सामान के बीच में छुपाकर कुरियर किया गया था ताकि किसी की नज़र ना पड़े। जब सुशांत रिया के घर कुछ दिन बिताने जाना चाहते थे, उस वक्त रिया ने इतना बड़ा पूरा खेप जो है शौविक से कोऑर्डिनेट करके कुरियर कंपनी द्वारा वहाँ भिजवाया। मैं आपको पूरी खबर बताऊँगी इस वीडियो में। जब ये लोग बोर हो गए थे यहाँ पर रह के, तो लॉकडाउन में थोड़े दिन ये तय किया कि हम लोग रिया के घर जाकर रहेंगे। और एनसीबी को के सोर्सेज से ये सूत्र मिले हैं, उन्होंने उस डिलीवरी बॉय को पकड़ लिया है। बड़ी मतलब बड़ी खबर है, जहाँ कुरियर कंपनी को कॉन्टैक्ट किया गया, कपल ने जब कपल वहाँ पर शिफ्ट होने वाला था, तो रिया ने कुछ बड्स और आधा किलो ड्रग मैरुआना जो है वो एक बॉक्स में, क्यूरेटेड मैरुआना में भी जो भी क्वालिटी हो, अप्रैल में भेजा था। और सीबीआई को ये मिला है कि उसको जो कि शोविक ने वहाँ पे रिसीव किया था, और उसके साथ में लोगों को पता ना चले तो बहुत सारे घर के सामान भी भेज दिए थे, उसके साथ में रैप कर दिया था सो दैट कि आइडेंटिफाई ना हो, क्योंकि कुरियर कंपनी में खोल के चेक नहीं किया जाता होगा या वॉट एवर, पार्सल पैक हो जाता है। तो सेंट्रल एजेंसी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि सुशांत सिंह राजपूत का एम्प्लॉई जो है दीपेश सावंत, उसने कुरियर कंपनी को कॉल किया था और रिया के घर पे डिलीवर करवाया था, जहाँ पे रिया, उसके पापा, उसकी माँ, उसके भाई रहते हैं। शौविक ने रिसीव किया रिया के घर पर वो, और उसके बाद वो पैकेट कुरियर एजेंसी के थ्रू भेजा गया ताकि पकड़ा ना जाए। अब ये एक ऐसी बात है कि वहाँ रहने जा रहे थे, आपको पता है सभी लोग फ़िलहाल जेल में हैं, रिया, शौविक, सभी लोग जेल में हैं, लेकिन रिया का ये प्लान कि वहाँ रहने भी जा रही थी, तो उन्होंने स्टॉक भिजवा दिया था। और कल जो वीडियो दिखाई पड़ा, उस वीडियो में साफ तौर पर रिया भी स्मोक करती हुई दिखाई पड़ी। सुशांत को रिया ने क्या मैरुआना का आदी बना दिया था, और जब अपने घर गई तब भी वो उनके लिए मैरुआना लेकर गई, भिजवा दिया घर के सामान में छुपा कर ताकि कोई पकड़ ना पाए। और यही कारण है कि ऐसे सबूत मिले हैं एनसीबी को जो काफ़ी हैं रिया को जेल में रखने के लिए, इसीलिए उनको जमानत नहीं मिल पा रही। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सरिता।